ऐसी विद्या एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक मुझे ये करना है अथवा मैं ये हूँ। बस अनंत दुख के कारण यदि कोई है, अनंत बंध का कारण संसार, बंध माने संसार, संसार में रुलाना कारण है, तो बस ये परिणाम है। वो इन परिणामों में यदि किसी के हैं, वो कहते हैं मैं मुनि हूँ तो मुझे ये करना, मेरा उपदेश देना मेरा काम है, एक पुस्तक शास्त्र लिखना मेरा काम है, तो वो उसके विकल्पों में उलझा रहता है। अब वो कहते हैं कि विकल्पों का जाल अनादिकाल से ऐसा है कि अभ्यास के एक दफे सम्यक दर्शन हो जाने पर, सम्यक दर्शन माने ये समझ में आ जाने पर बुद्धि पूर्वक, पूरा अनुभूति पूर्वक कि ये मैं नहीं हूँ और इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, तो भी बहुत काल तक वैसे विकल्प आते रहेंगे। और उसका उदाहरण दिया है कुमार के चक्र के समान, जैसे कुमार के कुमार घुमाता है ना उसको, ऐसा सा तो शुरू शुरू में उसे चक्के को घसीटना पड़ता है और पर जब चका अपनी रफ्तार पकड़ता है तो वो हाथ को चका खरीद घसीटने लगता है, पर वो छोड़ देता है और छोड़कर जब अब कोई चला तो नहीं रहा ना उसे, लेकिन पूर्व के अभ्यास के कारण वो चलता ही रहता है बहुत देर तक, और उस पर इतनी देर तक चलता रहता है कि उसके ऊपर वो मिट्टी के पिंड से उसे घड़ा बना लेता है, वो दोनों हाथ उसमें लगा देता है ना, अब घुमा तो नहीं रहा है। तो ऐसे ही ये विकल्प चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो सम्मा दर्शन हो गया, यानी ये पता चल गया कि मैं इसका करता नहीं हूँ, ये पूरी तरह निरर्थक हैं, तो भी वो विकल्प चक्कर चलता रहता है, लेकिन उसमें वो दम नहीं होती जो वो पहले कुमार के हाथ लगा हुआ था, तब धीरे धीरे वो गारंटी से मंदा पड़ता है, बहुत तेजी से वो रुकने की तरफ दौड़ता है, मतलब रुकने की तरफ दौड़ता है माने वो उसका जोर कम पड़ता जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व के अभाव में वो विकल्प चक्र का जोर कम पड़ता जाता है। आचार्य जयसेन तो मतलब इतने नाराज होकर बात करते हैं, मैं इसमें से निकाल के आपको बताना चाहता हूँ, कितना पेज है इसमें, देखो पेज नंबर 30 पे निकालो, दूसरा पैरा, अतः हे दुरात्मन तेरे यह विकल्प कुछ कार्यकारी तो है नहीं, फिर तू व्यर्थ ही विकल्प करके पुण्य पाप क्यों बांधता है। हे दुरात्मन शब्द करके प्रयोग करते हैं, इतना कह दिया, इतना समझा रहे हैं और फिर भी तू व्यर्थ ऐसे विकल्प करके पुण्य पाप कर्म का बंधन करता है, बंधाधिकार है ना, हमें बंधन किन कारणों से होता है वो बता रहे हैं, तो और क्या बताएं। हम तो ये जानते हैं कि हमारा जब भी ध्यान जाता है तो हमारा ध्यान तो क्रिया के ऊपर जाता है कि हम क्या क्रिया करते हैं जिससे हम पुण्य पाप बांधते हैं, हम अच्छी क्रिया करेंगे तो पुण्य बांधेंगे और बुरी क्रिया करेंगे तो पाप बांधेंगे। अब उसमें ऐसा लिखा है हिंसा के विकल्प से हिंसा करता है, झूठ के विकल्प से झूठ बोलता है, इसमें ऐसे ही लिखा था ना आपकी भाषा में, देखो ये त्रिंच वगैरह तो बाद में आए हैं, धर्मास्तिकाय वगैरह, देखो जिस प्रकार यह आत्मा क्रिया जिसका गर्व है ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है, मानो क्रिया करने का गर्भ में है जिसके, वो हिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अन्य करता है, अब अन्य माने झूठ बोलता है, चोरी करता है, ऐसे
अब ऐसे ही अपने को नारक करता है कि मैं नारकी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, फिर जो जो अध्यवसान भाव करता है वो विकल्प का स्वरूप कुछ भी हो, ये बता करके हिंसक हिंसक का उदाहरण दे करके पांचों पापों की बात करी, फिर चार मनुष्य आदि गति असमान जाति पर्यायों में एकत्व की बात करी, फिर धर्मादि जो गे पदार्थ हैं उनमें एकत्व की बात करी, लेकिन ये सब ये विकल्पों का जोर है। एक दफे तू आत्मानुभूति पूर्वक ये निर्णय कर कि मेरा पर में कुछ भी नहीं चलता है, तो तुझे तत्काल कुछ भी दिखाई नहीं देगा अंतर, लेकिन धीरे धीरे वो विकल्प का जोर कम होता जाएगा और एक दिन बिल्कुल कम हो जाएगा। उसी का नाम है मुनि धर्म की सर्वोत्कृष्ट दशा। अभी तू चाहता है कि मेरा अभी छूट जाए, ये मुनिराज को भी शास्त्र लिखने का विकल्प आता है ना, धर्मोपदेश देने का विकल्प आता है ना, बोलो। सच्चे मुनिराज जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं उनको, तो ये नहीं छूट रहे हैं इसकी चिंता मत कर। तुम एक दफे निर्णय कर कि इनका कर्ता भोक्ता तू नहीं है, इनका स्वामी तू नहीं है, इसमें तेरा कुछ भी योगदान नहीं है, तो उसका वो जोर अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। इसको मैं कभी कभी इस भाषा में बोलता हूँ, पहले आपने सुना होगा कि यहाँ अपन इतने जीव बैठे हैं और ये वो असली देशना लब्धि और तत्व की बात है। जिन जिन को सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई है वो इसी टाइप की देशना पा करके हुई है, तो हमें भी किसी को हो सकते हैं ना। यदि किसी को हो जाए यहीं बैठे बैठे ही, आप अंदर में चले जाएं, बड़े दादा तो समझेंगे कि आप सो गए हैं, तो जो डांट भी पिलाएंगे कि यहाँ आगे आते ही क्लास में बैठ के सुबह से सो गए, हो सकता तुम अंदर चले गए हो। यानी सम्यक दर्शन हो जाए तो तुम्हारी बाहर की किसी क्रिया से ये व्यक्त नहीं होगा कि तुम सम्यक दर्शन तुम्हें हो गया है, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्यों? कि तुम सोते दिखोगे और फिर बाद में तुम्हारा विकल्प जाल भी वैसे ही चलता दिखेगा, क्योंकि वो तो वो कुमार के चक्के के समान उतनी तेजी से चल रहा होगा ना। अब उसके अंदर का जोर खत्म हुआ है, अब उसका धीरे धीरे मंदा पड़ेगा और पढ़ते पढ़ते वो छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका आ जाए, तब तक भी तुम उस विकल्प जाल में दिखोगे अंदर से वो कितना ही कमजोर पड़ गया हो। आप विचार करो, किसी भी महापुरुष का जिन्हें भरत चक्रवर्ती आदि जैसे भी हैं, कि पहले कैसा भाव था और वो धीरे धीरे मंद पड़ता पड़ता एक दिन ऐसी पोजीशन में आ गया कि वो दीक्षा लेने को तैयार हो गए। तब दीक्षा लेने के पहले 10 मिनट पहले तो वो चक्रवर्ती थे ना, अपने वो घर का राजपाट जैसा संभाल रहे थे, कोई भी केस आता होगा तो उसी तरह डील करते होंगे कि नहीं। आप उनको देख के कैसे कह सकते हो कि ये आदमी की इतना परिणाम निर्मल हो गए हैं कि ये 10 मिनट में दीक्षा लेने वाला है, उसी शकल पे ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा, वो क्रिया में भी आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा मेरे कहने का मतलब। लेकिन दोनों जब वो चक्रवर्ती का पद को जीत रहा था तब लड़ रहा था और अब ये छोड़ने के इतने समय के पहले, इन दोनों में कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता है, तो अभी कैसे बाहर से पता लगेगा। एक और बात मत कहता हूं कि ये जो हम तुम जैसे कमजोर वृत्ति वाले लोग हैं ना, इनका तो दिख भी सकता है लेकिन उन महापुरुषों का नहीं दिखेगा। बोलो क्यों? क्यों के बिछन 9000 पत्नियां हैं तो वे अणुवृत्त तो ले नहीं सकते, कि अणुवृत्त लेवे तो बोलो कितनी पत्नियां रखें और कितने छोड़ दें,
यदि नक्की कर लिया कि मुझे 32,000 रखनी है और 64,000 छोड़नी है, तो वे कैसे निर्णय करेंगे किनको छोड़ना है किनको रखना है? क्योंकि चेतन के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, अचेतन परिग्रह के साथ तो समस्या नहीं है। क्यों? इसलिए कहते हैं कि या तो वे पूर्ण ब्रह्मचर्य लेके 96,000 को ही छोड़ दें और या एक को भी नहीं छोड़ें, ऐसी होती है पोजिशन। इसलिए कहते हैं ना, बड़े पुरुषों के अनुवृत्त नहीं होते, तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के। अब पूजन में आपने पढ़ लिया है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुव्रत महासुख कार, पढ़ लिया, देखो लिखा है तीर्थंकर। अरे अब क्या करें, पूजन वाले ने लिख दिया तो हम क्या करें? बहुत स्थूल कथन है, उनका जीवन अनुवृत्ति जैसा हो गया। महापुरुषों के तो कोई इतनी कमजोरी होती ही नहीं, लें तो भैया महाव्रत लें ना, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है अनुवृत्त, ख्याल में है ना। और वो मैंने बताई ना, परिस्थिति ऐसी है, 6 खंड में से कितने खंड छोड़ दें? प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पद या तो वो इस्तीफा दे सकता है और या पूरे देश का प्रधानमंत्री पद रह सकता है। ऐसा नहीं कि मैं उत्तर भारत का रहूँगा, दक्षिण भारत का मैं नहीं छोड़ा, आधा आधा प्रधानमंत्री छोड़ा दे, ऐसा नहीं है। कलेक्टर है तो मैं आधे जिले को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपके समझ में आया होगा कि ये जो बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। आपने एक बात और कभी सुनी होगी कि महापुरुषों को सुआ सूतक नहीं लगता, पर अपने लिए 8 दिन का और 10 दिन का और ये रहता है सुआ सूतक, उन्हें नहीं लगता। तो उन्हें लगे कैसे? 96,000 पत्नियां, 60,000 बेटे, रोजाना एक आध को मरना है, दुखा दो चार पैदा होना है, तो वो तो 12 महीना सुआ सूतक में ही रहे। तुम पूरे जयपुर गांव का सुआ सूतक मानने लग जाओ, क्यों? तो तुम एक दिन भी सुआ सूतक के बिना रह पाओगे? अरे तुम रोजाना राजस्थान पत्रिका में देख के और तीये में जाने लग जाओ तो एक दिन सुबह प्रवचन नहीं सुन सकते यहाँ। क्यों? पूरा पेज भरा रहता है फोटो सहित, और कितने लोगों के आते हैं, उनसे 100 गुने लोग ऐसे हैं कि जिनके उसमें नाम आ ही नहीं सकते। क्यों? अब ऐसा उनका परिकर ऐसा है। और दूसरी बात ऐसी है, युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, अब शाम को पता चला अभिमन्यु मर गए, फला ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कि वहां पर द्रोणाचार्य मर गए। अब सुबह से रात को बैठे हैं गुरुजी के वियोग में रोने के लिए कि कल सुबह से फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसको सेनापति बनाएं, कौन किस मोर्चे पे खड़ा होगा, फिर वो सुबह की मोर्चेबंदी करनी है कि रात को रोने बैठे। बोलो कैसा आदमी है ये, काम की बात करता है क्यों? आपको लगता क्या नहीं, बेटा की लाश पड़ी है जो काम की बात करता है, कैसी बात करते हो? जितने बड़े लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मर जाए तो उनके बेटे सब देख के सुबह कैसे जाएंगे, कैसे रास्ता पे जाएंगे, क्या व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था वो देखते कि नहीं देखते हैं। और बेटे को तो राजा को, बेटे को राज तिलक हो जाता है तब घोषणा की जाती है कि राजा साहब मर गए। प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है तब घोषणा की जाती है पुराना प्रधानमंत्री मर गया। अब मान लो उसके बेटे को ही चुन लिया गया है? तो सारी कहोगे अब तो शत्रु बहुत खड़े हो जाएंगे, उसे तो उस वक्त और अधिक सक्रिय सबसे पहले रहना है। तो इसलिए बड़े लोगों का सोच सुआ सूतक लगने का समय कहाँ है? आपके सुआ सूतक लगने को समय कहाँ चाहिए? समय इसलिए चाहिए कि वास्तव में इसका बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है। ये सुआ सूतक को नहीं मानना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ,
तुम्हारे हाथ में वो कुछ है नहीं, जिन्हें लगता है उन्हें लगता ही है और जिन्हें नहीं लगता है उन्हें नहीं लगता। तुमको हम भी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। बनियों को लगता है तो लगेगा, क्या मतलब? ये मतलब है कि हम 3 दिन मंदिर नहीं जाएंगे। अरे तुम मंदिर जाने की बात कर रहे हो, नहीं जाएंगे क्या जाएंगे? तुम्हारा माथा इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि तुम्हें 3 दिन तक मंदिर जाने की याद तक नहीं आएगी। अपने है ना कि एकदम नजदीक का मरा हो तो 7 दिन तक है ना लगता है सूतक, और दूसरी पीढ़ी का हो तो 6 दिन तक, तीसरी पीढ़ी का हो तो 5 दिन तक, चौथी पीढ़ी का हो तो 3 दिन तक, पांचवी पीढ़ी का हो तो 2 दिन तक, छठवीं पीढ़ी का हो तो 1 दिन तक, और 7वीं का हुए तो स्नान मात्र से शुद्धि। ये क्यों किया? क्योंकि जितने जितने दूर का होगा उतना उतना वो डिस्टर्ब कम होगा, वो उसकी दैनिक चर्या है, जो धर्म की दुकान की धंधे पानी की, वो सारी दिनचर्या वो डिस्टर्ब हो जाएगी जो एकदम नजदीक का होगा। तो अब मैंने राजाओं का बताया कि उनको कोई कुछ नहीं कहता कि भेजे भेजे अपने काम में लगे। अरे भाई तुम्हारी दुकान बंद हो सकती है लेकिन उनका युद्ध सुबह बंद नहीं हो सकता, क्या समझे ना? जिनके बड़े बड़े मील होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो ये सब थोड़ी बंद हो जाते हैं। इसे कहते बड़े लोगों को नहीं लगता, माने क्या? बड़े लोगों को 10-20 लाख का नुकसान हो जाए तो उनके माथे वसल नहीं पड़ती है, हैं? और तुम्हें तो 100 रुपया में ऐसा नीचे नीचे हो जाता है पानी कि उस दिन तुमसे रोटी नहीं खपती है। अब तुम्हें कहते हो हमें क्यों लग रहा, उन्हें क्यों नहीं लग रहा, समझ में आया ना? इस दृष्टि से जो जिस भूमिका में है उसको उतना के योग्य वो लगता ही है। ये हम अमेरिका वगैरह जाते हैं तो वहाँ एक प्रश्न बहुत करते हैं कि ये महिलाएं 4 दिन वो होती हैं ना, तो उनको पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, बहुत तर्क देते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा था, आज के ज़माने में तो ऐसा आ गया है, ऐसा हो गया, बहुत बहुत। अब क्या बताएं, मामू जी बोलते मैं मालूम क्या कहता हूँ लास्ट में, क्यों तुम्हारे पाप का उदय है, तुम्हें 4 दिन की छुट्टी मिलती है घर में शांति से बैठने की, तो तुम अपने हाथ से उसे खत्म करने पे क्यों तुनी हो? करो ना आराम। क्या क्या समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे, एक गिलास पानी लाने की कोई नहीं कहेगा, हैं? खाना बनाने की नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, तुमको फुल्ली आराम। और तुम्हारे लिए सब बनी बनाई चीज, जो भी रोटी चाय पानी, तुम्हारी सास जो तुम्हें दिन रात ऑर्डर चलाती है, वो आके तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगी। इतनी बढ़िया सुविधा तुम्हें मिल रही 4 दिन, तो तुम क्यों उसके विरुद्ध उतारू हो? बेचारे पुरुषों को तो ऐसी सुविधा है ही। नहीं सा, हमको बराबरी का अधिकार चाहिए, हमें पुलिस में भी काम करने, हमें सेना में भी चाहिए, हम तो कंधे से कंधे मिला के। अरे तो करना है मजदूरी तो करो, मरो। अरे यदि मान लो अभी तुमको कठोर काम करने के लिए छुट्टी है, घर वाले भी नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं कहते, तुम्हें कोई नहीं कहता है कि तुम जाके सेना में काम कर, सेना में तो लड़ना ही पड़ेगा ना, पुलिस बनोगे तो पुलिस का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब उन कठोर नौकरियों से तुमको बचाया है किसी ने, परिवार ने किसी ने, तो उनको तुम आज गालियां देती हो, जब लेके करती हो तो फिर बाद में मालूम पड़ता है, कहते हम काम भी करें 8 घंटा होकर, रोटी भी बनाए, रोटी कौन बना जाएगा फिर? कि तुम बनाओगे, तुम्हारा पुरुष बनाए बस, और क्या कर, पति बनाए हैं? वो तो कोई वो करना तो पड़ेगा ही, माने अपने माथे पे और अपने आप ही लिया है ना, तो वो तो शास्त्रों में सहज वृत्ति की बात है। हमारे हाथ में है क्या कि हम आपको छूट दे दें कि आप ऐसा नहीं करोगे, करो, ख्याल में आई ना? वो तुम्हारे तर्क जो हैं सारे हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं,
पहले ऐसा होता था, आज तो ऐसी सुविधा है, आज ऐसी सुविधा होगी, हमें वो सब बातें ही नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि तुम्हारा चित्त डिस्टर्ब होता है और उसको नॉर्मल करने के लिए तुम्हें समय चाहिए, ये हमारे सूतक विधान का नियम है। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अनादिकाल का जो अभ्यास है वो श्रद्धा सही हो जाने के बाद भी बहुत दिन तक दिखाई देगा, यानी यदि अभी हमें किसी को सम्यक दर्शन हो गया यहीं, तो मैं इस भाषा में बोलता हूँ कि माथे पे दो सींग नहीं निकलेंगे, कि जैसे देख के लोग समझ आ गए यह कुछ से कुछ गड़बड़ हो गई। तुम वैसे के वैसे नॉर्मल रहोगे, जैसी तुम्हारी पहले की प्रवृत्ति थी वैसी ही वृत्ति रहेगी, वैसी ही प्रवृत्ति दिखेगी, तो बदलेगा क्या? वो अंदर का जोर, जो उसी काम में अंदर का जोर था ना, वो जोर बदलेगा और उसके जोर से निरंतर वो क्षीण होता जाएगा। जैसे कि वृक्ष की जड़ काट दो, वृक्ष की जड़ काट दो ना, तो वो धीरे धीरे उसी तत्काल कोई वृक्ष नहीं सूख जाता है, वो तो वैसे ही हरा भरा दिखता है, फल फूल भी लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। ये मालूम कि बहुत से जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, अब उनको ये इस पेड़ को काटना है, गवर्नमेंट का बहुत प्रतिबंध है, पकड़ी जाए तो जेल जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा जुर्माना होगा, तो वो उसमें थोड़ा सा छेद करके, कोई बाजार से ऐसी चीज़ आती है जहर में है, अपन उसे नाम भी नहीं जानते हैं, और वो उसमें डाल देते हैं, बस ख़त्म। और वो कहते हैं 15 दिन में, महीना भर में, 2 महीने में अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगा। अब सूख जाएगा तो फिर उसे काटने को कोई नहीं रोकता है, एक दिन तो काटेंगे तो अब गवर्नमेंट चिल्लाएगी, कोई चिल्लाएगा, तो रोजी ना एक छोटी छोटी डाली काट काट के ले जाते हैं, आराम से अपना चूल्हा जलाते हैं, जो भी करना है करते हैं, ऐसा अपने बरसों का इंतजाम हो जाता है, घर में रखने की जगह भी नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे काटते रहते हैं। वो जो उसको जिस दिन उसने लगाया है तो उसी दिन से नहीं सूखता दिखाई देता है, तो ऐसा ही इस सहज वृत्ति से होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इन बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अंदर में जो एकत्वमत्व का वो जोर है उसको हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करके उसकी धुन ऐसी लगाओ कि वो प्रायोग लब्धि बन के कर्ण लब्धि बन जाए और वो जाकर के अंत में सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो मान्यता टूट जाएगी। बस ये मार्ग है छोटा सा, अब इस पर तो कोई ध्यान देता नहीं है। वो किसी ने कई क्रिया जड़ रही था गया तो शुष्क ज्ञान माँ के माने मार्ग मोक्ष का है, उनको देख देख कर मुझे करुणा बुद्धि आती है, करुणा आवे जोई। क्रिया जड़ हो गया मैंने क्या, मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, पर इसी करने करने में मूर्ख बन गया है, बिल्कुल उसमें उसी में लग गया है, जबकि उसमें रंज मात्र इसका किए कुछ होता नहीं है, उसका नाम है क्रिया जड़। धर्म करना होगा तो क्या क्या करना होगा, तो सुबह से शाम तक अब भी हाल वो काम बता देंगे, सुबह उठो नहाओ धो, उसका नहाना धोना भी धर्म है, समझे ना, फिर शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर मंदिर में जाओ, फिर भगवान का प्रक्षाल करो, फिर पूजा करो, फिर बड़ा शाम से बराबर फिर प्रचन में ऐसे जा करके पूरा सुबह से शाम तक की दिनचर्या बन जाएगी और वो क्रिया संपन्न होती जा रही सही, तो वो लगाएगा मैं धर्मात्मा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जिस दिन मुझे भगवान के पूजन करने का मौका नहीं मिलता है उस दिन लगता है जैसे आज कुछ भूखा रह गया, कुछ कमी रह गई, ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग। अब ये लोग क्रिया जड़, अब शुष्क ज्ञान में कोई कोई कहते क्या है, क्रिया में क्या रखा है, ये बस अपना भगवान आत्मा बस, उसमें ऐसे करता उसे जाता है नहीं, ध्यान कुछ नहीं, बस उन विकल्पों में उलझा रहता है। मैंने एक दिन कहा था यहाँ कि वो अपना नया क्रिया कांड विकसित कर लेता है, वो उसकी अपनी अलग क्रिया हो जाती है, उसको भी आदत हो जाती है सुबह से उठकर
वो उस तरह की प्रक्रिया को संपन्न करता है पर अपने को धर्मात्मा वो उसमें संत हो जा शुष्क ज्ञान में कोई शुष्क ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, वो अब एक नए टाइप के क्रियाकांड में लग जाता है। वो श्रीमद कहते हैं कि इन दोनों को वे मोक्ष का मार्ग मानते हैं, उनको देखकर मुझे बहुत दया आती है। अब आपको लगता होगा कि सुबह से शाम से पूजा पाठ कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, इन्हें देख के इन्हें दया आ रही, खुद करते नहीं हैं कुछ, और जो दिन रात स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं, इन्हें इन पर दया आती है और कुछ कुछ करते नहीं। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम भी करते हैं, हम तुमसे मत कह, ये नहीं कहते कि तुम ये छोड़ दो, ना स्वाध्याय करने वालों से स्वाध्याय की बात करते हैं, ना पूजा पाठ करने वाले को पूजा पाठ छोड़ने की बात करते हैं। अरे ज्ञानियों के जीवन में भी ये सब चीज़ें होंगी, पूजा पाठ भी होगा, स्वाध्याय भी होगा, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि माने मार्ग मोक्ष का, इसको इन क्रियाओं को वो मोक्ष मार्ग मान रहा है, ये मान्यता देखकर मुझे दया आती है। ये क्रिया मिली है तो क्या क्रिया रह गई, तो कुछ ना कुछ तो हो गई ना। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि सुबह से जाकर के भगवान का प्रक्षाल नहीं करेगा ना, तो अपने महिलाएं तो भगवान का प्रक्षाल करती नहीं है, तो उन्हें मालूम क्या सजा मिलती है उसकी, उन्हें अपने बच्चों को नहलाना पड़ता है। यदि तू नहीं करेगा तो घर में पत्नी कहेगी कि मुन्नी को मैं नहाती हूँ, जब तक पप्पू को तुम नहा दो, तो उनका अभिषेक करना पड़ेगा। तू कोई क्रियाकांड से बचने वाला नहीं है, बचने की जरूरत भी नहीं है, बचने की मैं कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक फायदा होगा कि जब भगवान को स्नान कराता है तू, तो समझता है मैंने धर्म किया, और अपने बच्चों को कराएगा तो कम से कम तुम धर्म नहीं मानेगा, एक फायदा है। आजकल उसमें भी हो गया, बहुत से लोग ऐसे कहने लगे मैं तो अपने इसको ही धर्म, कर्म ही पूजा है, कर्म माने अपना जो कर्तव्य पूरा करो, बैंक वाला बैंक का काम करे, खजांची खजांची का काम करे, समझे ना, तो बस वो कर्तव्य ही उसकी पूजा है, हमने तो ईमानदारी से काम किया ना, बस पूरी जिंदगी भर हमारी तो यही पूजा थी, बोलते क्या नहीं बोलते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ वो उसमें धर्म मानने लग गया। अरे भाई ड्यूटी पूरी करना, जो काम करो वो तो अच्छी बात है, लेकिन बस वो धर्म नहीं है, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कह दें, उसमें लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्या लिखा, माने मार्ग मोक्ष का करुणा उपजे जोई, वो मोक्ष का मार्ग मानता है ये देखकर मुझे करुणा होती उत्पन्न होती है। अब इतनी बात कहें तो साहब जी पूजा पाठ के विरोधी है, ये वृत उपवास के विरोधी है, अभी अब स्वाध्याय के विरोधी भी हो गए, अब प्रयोजन करने के भी विरोधी हो गए, अब किताबें लिखने के भी सबके विरोधी हो गए, अब क्या कहें। अरे हम किसी के विरोधी नहीं हैं, तेरी जो मिथ्या मान्यता है वो अनंत संसार का कारण है।